नमस्कार फ्रेंड, सुस्वागतम, अभिनंदन करता हूँ मित्रों मेरी इस छोटी सी ऑर्गेनिक ग्रीन गार्डन पर, जिससे और वेलकम करता हूँ मेरे इस छोटे से गार्डन चैनल पर। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्लांट जिस जो हर गार्डनर के पास होती है, हर नर्सरी में पाया जाता है और बहुत ब्यूटीफुल होता है और इजली तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं, बहुत इजली तरीके से कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इस खूबसूरत ब्यूटीफुल जेट प्लांट्स के बारे में। वैसे तो मित्रों, ये सामान्यतः अंग्रेजी में जेट प्लांट के नाम से विख्यात है। आप तो जानते होंगे इस प्लांट्स के नाम, जेड प्लांट्स के नाम से ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इसके कई सारे नाम से जाने जाते हैं मित्रों, जैसे जेड प्लांट, फ्रेंडशिप, लकी प्लांट, मनी प्लांट के नाम से भी इसे जाने जाता है और बटन बेल प्लांट से ये पूरे विख्यात है। तो मित्रों, इसे हर जगह पर कई नाम से जाना जाता है। वैसे फ्रेंड्स, ये दक्षिण अफ्रीका का एक देसी पौधा है जिसे कम देखभाल के वजह से हर गार्डन के पास मिल जाएंगे आपको, हर घर में, हर गार्डन जिसे शौक़ है वो बहुत इसे प्यार से रखते हैं। ये पौधा हर घर में एक आम तौर पर पाया जाता है तथा ये पौधा आपको देखने में बहुत सुंदर भी आपको लगेंगे मित्रों, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको गार्डनिंग पसंद है तो इसके बिना आपका गार्डनर अधूरा है। और मित्रों, अगर आप नए गार्डनर हैं तो आप इसे, वैसे दोस्तों अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान सा पौधा है, इसे आप कम देखभाल करके भी रख सकते हैं, ये ज़्यादा देखभाल की इसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। वैसे ये कम देखभाल की वजह से हर घरों में, हर गार्डनर के पास आपको मिल जाएंगे, कई नर्सरियों में आपको इजीली तरीके से मिल जाएंगे, छोटे से बड़े से साइज में मिल जाएंगे और ज़्यादा काफ़ी इसकी हाई रेट भी नहीं होती है, 20 से 30 रुपया के प्राइस पे आपको साइज के अनुसार मिल सकता है फ्रेंड्स। तो आप इसे आसानी से अपना घर में ग्रो कर सकते हैं, इसकी ब्यूटी बहुत सुंदर होती है, आप किसी जगह पे लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, कहीं भी आप लगा सकते हैं। इसके कई सेफ हम इसका कितने तरह का कितने प्रकार के हम इसे लुक भी बना सकते हैं, बोनसाई बना सकते हैं, बूसी अंदाज में बना सकते हैं, हैंगिंग में लटका सकते हैं, दीवार पे लगा सकते हैं। इसकी जो प्लांट्स की जो पत्तियां है, इसे आप जब देखेंगे तो इसकी आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटी है। इस पे फ्लावर तो आपको नहीं मिलेंगे पर इसकी जो पत्तियां हैं, लिप्स हैं, ये काफ़ी लुक इसका सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। जब ये हैंगिंग बास्केट पे लटकती है तो उसके जब लटकन को जो आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा आपको महसूस होगा, आपके घर के गार्डन भी इस पर सूटेबल होता है। अगर आप इसे बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप इसे बोनसाई भी बना सकते हैं, बोनसाई का शेप भी दे सकते हैं। ये बहुत कम मेहनत में और बहुत कम समय में ये बोनसाई आपका तैयार हो सकते हैं, बस थोड़ी सी पेशेंस रखने की ज़रूरत हमें पड़ती है, क्योंकि बोनसाई के लिए थोड़ा समय हमें लग ही जाता है। और इसकी बोनसाई लुक आप जब देखोगे तो आप बहुत आपको खुशी महसूस होगा फ्रेंड्स। और ये बहुत कम समय में आप इसे बोनसाई का शेप भी दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, शास्त्र के अनुसार इस पौधा को हमें बहुत शुद्ध माना गया है। ये कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि ये मनी को, पैसे को चुंबक की तरह हमारे घर में धन को खींचता है, यानी कि चुंबक की तरह पैसे को अपने ओर आकर्षित करता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये शास्त्र के अनुसार शुभ माना गया है तो इसे हम अपने घर में क्यों नहीं लगा सकते हैं। और
ये काफ़ी इजी टू ग्रो है, इसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी हमें नहीं है और काफ़ी सारी अच्छी लुक भी लगती है। वैसे कहा जाता है कि मनी प्लांट के जैसा ही ये घर में लगाने से शुभ माना गया है, धन हमारे घर में बना रहता है और हमारे घर की जो सुख और शांति है इससे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के प्लांट्स हमें अपने घरों में लगाना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, शास्त्र के अनुसार इस प्लांट्स को अगर आप घर के मेन एंट्री के जो रास्ते होते हैं वो दोनों साइड अगर आप इसे रखते हैं तो आपकी घर की जो सुख है, शांति है और धन है वो हमेशा बना रहता है और धीरे धीरे हमारे घर के धन है, सुख है, ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है और बढ़ती चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे पौधे को हमें लगाना चाहिए ही चाहिए मित्रों। तो फ्रेंड्स, बात आती है कि इसे हम लगाएं कैसे, इसके प्रोपोगेशन क्या तरीके हैं, कैसे हम लगा सकते हैं, ये किस तरह से हम एक प्लांट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान से तरीका है, बहुत आसान से लगा सकते हैं आप और ये बहुत इजी टू ग्रो है। आप इसे कटिंग के थ्रू किसी भी जगह पे आप लगा सकते हैं, बस शर्ते आप इसे मिट्टी में नहीं लगाइएगा क्योंकि मिट्टी में ये गलने के जो चांसेस होती है वो ज़्यादा हो जाती है, इसे ज़्यादा पानी पसंद नहीं है फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं फ्रेंड्स, इसे हम कैसे आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मेरे इस चैनल में बहुत इजीली तरीके से बहुत आसान मेथड के द्वारा किसी भी प्लांट्स को हम आपको लगाना सिखाते हैं और आप सीखते भी हैं। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस चैनल पे अगर नए आए हो तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर लीजिएगा और ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, इसके प्रोपेगेशन हम सीख लेते हैं, इस प्लांट्स को हम कैसे आसान मेथड के द्वारा लगा सकते हैं, ये बहुत आसान मेथड से लग जाता है मित्रों। तो आइए हम ये वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और जल्दी से आपको कटिंग लगाने के लिए सिखा देते हैं, जिससे कि आप अपने घर में खूब सारा मल्टीप्लाई करके एक प्लांट नर्सरी से लाएँ और कितने भी मल्टीप्लाई करके अपने प्लांट्स को आप लगा सकते हैं मित्रों। तो फ्रेंड्स, मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इस जड प्लांट्स को अगर हम गमले में या पोट में अगर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली जो मेन बात है वो हमें ये देखनी चाहिए कि जब हम लगाते हैं तो इस गमले में जो ये बॉटम होल होती है, आप देख सकते हैं मित्रों फ्रेंड्स, ये बॉटम होल आपके गमले में क्लियर से बना होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि बॉटम होल कितनी बढ़िया है, इस पर जो पानी का ड्रेनेज है ये 100% पानी इस पर ड्रेनेज हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नंबर दो पे आता है, इसे वेल ड्रेनेड सॉइल पसंद है, यानी कि जो मिट्टी होती है इसे ऐसी मिट्टी चाहिए जिस पर अगर आप पानी डालते हो तो जल्दी से पानी बॉटम होल से ड्रेनेज हो जाए, पानी जड़ के सामने रुके ना और मिट्टी में ज़्यादा देर के लिए पानी रुके ना, इस तरह से मिट्टी इसके लिए पसंद है। आप इसे ड्रेनेज जिस तरह जब भी आप इसकी मीडिया बनाएंगे तो आप ड्रेनेज सॉइल बनाना है आपको जिस पर पानी जल्दी से रुके ना। तो फ्रेंड्स, नंबर थ्री पे आता है कि इसकी जो सॉइल मीडिया है कैसी होनी चाहिए, इसका सॉइल मिट्टी की जो मिक्सअप है कैसी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके मिट्टी के लिए हम अगर मिक्सचर बनाना चाहें तो इसे आप तीन पार्ट में बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके लिए मैंने मिट्टी का जो मिक्सअप है इसके लिए मैं तैयार करके रख लिया। आप देख सकते हैं मित्रों, ये बालू है, सेंड है, रिवर सेंड जिसे हम नदी में जो बालू है वो बालू एक पार्ट आप ये सेंड ले सकते हैं, दूसरा पार्ट आप कंपोस्ट ले सकते हैं, कंपोस्ट में आप वर्मिक कंपोस्ट ले सकते हैं या काउ डंग का या गोबर का जो सड़ी होती है 2 साल या 1 साल 2 साल जो सड़ जाती है उसको लेनी है, बिल्कुल डिकम्पोज, कहने के मतलब कि जो डिकम्पोज होती है उसी खाद को हमें लेनी है। तीसरा है आपके गार्डन की जो सॉइल होती है, आप जिस एरिया पे रहते हैं उस एरिया की मिट्टी होती है, ये एक भाग आप उस परसेंट का आप मिट्टी ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आप तीन प्रकार की मिक्सर ले सकते हैं इस तरह के जेट प्लांट की जो सोयल मीडिया होती है। आप तीन तरह के अगर इस तरह से अगर मिला के आप बनाते हैं तो आपकी सोयल मीडिया जो बनेगी बिल्कुल ड्रेनेज बनेगी। आप जब भी पानी दोगे इस पर पानी रुकने वाली नहीं है, आपकी तुरंत पानी ड्रेनेज हो जाएगी जिससे प्लांट्स की जो रूट है वो गलेगी नहीं और हमेशा आपकी रूट जो है डेवलप करती रहेगी, सर्वाइव करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स नंबर फोर पर आता है कि इस प्लांट्स को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है, सनलाइट जो है सनलाइट इस प्लांट्स को बहुत पसंद है, सनलाइट इसे चाहिए ही चाहिए। ये बिल्कुल शेडी एरिया का प्लांट्स नहीं है मिस फ्रेंड्स, आप शेडी एरिया में रख सकते हैं लेकिन शेडी एरिया पे आप उस जगह पे रखें जहाँ सूर्य की जो ब्राइटनेस लाइट होती है, ब्राइटनेस लाइट जो होती है वहाँ लाइट आनी चाहिए, तभी जाके ये आपका सर्वाइव करेगी और आपकी जो पत्ती का जो कलर है वो निखर के आएगी और इसकी जो पत्ती का जो हरापन है वो पूरा निखर के आएगा आपके सामने। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पर दिन के 2 से 4 घंटे पे अगर आप इसे धूप दे देते हैं तो ये प्लांट्स आपके पूरे एवरग्रीन और ब्यूटीफुल हमेशा नज़र आए। और अगर फ्रेंड्स आप इसे घर के अंदर में रखना चाहते हैं तो इसे आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर रोशनी सूर्य की जो ब्राइटनेस होती है वो इसे डायरेक्ट ब्राइटनेस मिल सके। और फ्रेंड्स अगर आप बिल्कुल शेडी एरिया पे इसे हमेशा रख रहे हो तो आप इसे इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए आपको समय समय पे 2 से 3 दिनों के बीच में आपको इसे धूप में निकालनी है 2 से 3 घंटे के लिए और इसे आप कहीं भी अंदर शेडी एरिया पे रख सकते हो। आप इसे ऑफिस में रख सकते हो, अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हो। इसे आप जब देखोगे तो आप इसे बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत बहुत प्यारा लगेगा। तो फ्रेंड्स आप प्लांट्स जिन्हें प्यार है तो वो उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस प्लांट्स अगर हम डेस्क में रखें तो कितनी अच्छी सी लगती है हमें। और देख सकते हैं फ्रेंड्स जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो ये बच्चे हमें हमेशा परेशान करते हैं, फिर भी मुझे वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो समझते नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स 5वें नंबर पे आती है कि ये खाद फर्टिलाइज़र इसकी इसे आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, इसे खाद की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं। तो फ्रेंड्स आपको बता देना चाहता हूँ कि इसे खाद की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, इसे फर्टिलाइज़र आप इसके फर्टिलाइज़र जो है उसे आप बहुत कम की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। इसे आप अगर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, अगर खाद आप इसे ऑफर करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसे आप फरवरी के मंथ में एक बार डाल दें और दूसरी है जो अगस्त या सितंबर के लास्ट में डाल दें क्योंकि इसे सर्वाइव करने की जो समय है फरवरी से लेके अक्टूबर तक ये सर्वाइव बहुत तेज़ी से होती है। बाकी इसके डोरमेंसी पीरियड चलती है, डोरमेंसी पीरियड में क्या होता है फ्रेंड्स ये प्लांट्स अपने बढ़त को जो वृद्धि है वो रोक देती है, धीरे धीरे बढ़ता है। ठंड के मौसम में ये इसका ग्रोथ जो होता है रुक जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। और इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और इसको तेज़ी से आप सर्वाइव कराना चाहते हैं तो फरवरी के समय में आप इसको गुड़ाई कर दें और आप कटिंग उसी समय लगा सकते हैं क्योंकि उस समय इसको बढ़ने की वृद्धि करने की जो क्षमता होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो फरवरी के समय में आप इसे खाद का ऑफर कर सकते हैं और गुड़ाई कर दें तो ये प्लांट्स बहुत तेज़ी से सर्वाइव भी करती है। देखते ही देखते आपको घरों में ये बहुत सारा प्लांट्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको चलिए आप एक इजी मेथड से, इजी तरीके से आपको इसकी कटिंग लगाने सिखा देता हूँ और आप बहुत आसान तरीके से आप अपने घर में इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आसान तरीके से लगा सकते हो। चलिए फ्रेंड्स बताते हैं कि तो चलिए फ्रेंड्स इसका कटिंग हम ले लेते हैं और कटिंग हम देख सकते हैं कि किस तरह के ब्रांच को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के ब्रांच हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पर सोचने वाली कोई बात नहीं है, आप किसी भी ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं, या यंगर शूट हो या हार्डवुड हो, किसी भी आप किसी भी स्टैम्प को आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए आपको कटिंग दिखा देते हैं। इस तरह से आप यंगर शूट भी ले सकते हैं, इस तरह से आप कटिंग ले सकते हैं, कोई भी कटिंग ले सकते हैं, कहीं से भी आप कट कर सकते हैं। इसकी ब्यूटी ख़राब ना हो जाए इसलिए मुझे देख के कटिंग करनी होगी फ्रेंड्स। इस तरह से हमें कट कर लेना है, यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे हम।
कोई भी सूट आप इसको चयन कर सकते हैं, किसी भी तरह के यंग हो या हुडी हो या ये आपका हार्डवुड्स जिसे होते हैं उस तरह से भी कटिंग किसी कहीं से भी आप ले सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। ग्रो का कटिंग लगाने के समय आप जानते हैं कि बाहर की जो मौसम होती है उस पर कटिंग लगने की चांसेस 100% हो जाती है। जैसे बाहर के मौसम फरवरी से लेकर के इस मौसम में आप इसे लगा सकते हैं। और जो कटिंग होते हैं फ्रेंड्स, कटिंग आप 2 इंच या 3 इंच भी ले सकते हैं और इस तरह से जहाँ से आप कट कर रहे हैं नोड एरिया के सामने ही कट करें, जिससे आपका रूट जो डेवलप करने की जो क्षमता होती है यहाँ से रूट बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। और इसे इस तरह से आप उसको पत्ते को यहाँ से रिमूव कर दें, इस तरह से रिमूव करना है आपको, इस तरह से इसके पत्ते को आप रिमूव कर सकते हैं, तभी जाके यहाँ से आपका रूट जो है आपको सर्वाइव कर सकती है। और फ्रेंड्स एक बात और नोटिस करने वाली है, जैसे कि आप हम जब कटिंग आप भी जानते हैं कटिंग जब भी हम लें 45 डिग्री के एंगल में ही कट कर सकते हैं, क्योंकि मिट्टी की संपर्क जो है इस तरह की कट में मिट्टी में 100% संपर्क हो जाती है, जिससे आपका रूट बहुत तेज़ी से सर्वाइव करती है, डेवलप करती है। 45 डिग्री एंगल किसे कहते हैं, जिसे आप जानते हैं कि इस तरह से तिरछा जो कट होता है, तिरछे कट लगाना है जिससे आप 45 डिग्री एंगल में ये कट हो जाते। तो फ्रेंड्स चलिए हम पानी ले आते हैं पहले, क्योंकि हमें पानी को इसको शावर करनी होगी। अब देख सकते हैं हमारे गांव के नज़ारे कितने ब्यूटीफुल और कितने सुंदर हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैं इसके लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं, इस कटिंग को आपके सामने लगा लेते हैं। और इसके लिए जो सोयल मीडिया मिक्सर था उसके लिए तो हम बात कर चुके हैं, 3 पार्ट पे आप लेना है और हमने तैयार करके रख लिया था पहले से। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहता हूँ कि आप इसे अगर कोकोपीट पे लगा सकते हैं, और या परलाइट भी अगर आपको मिल जाता है तो आप कोकोपीट परलाइट और कुछ सैंड की मात्रा मिलाकर इसे आप लगा सकते हैं, क्योंकि परलाइट मिलना सबके लिए आसान नहीं होता। इसलिए मैं इजी टू जो पोटिंग मिक्स है इसके बारे में मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स आपको दिखा देते हैं कि ये डिस्पोजल गिलास हमने ले ली है, जिस पर एक रिवर सैंड जो होती है, जो बालू होती है, एक डिस्पोजल गिलास में मैंने इसे बालू भर लिया हूँ। और दूसरा जो पार्ट है ओनली ये कोकोपीट और हल्की सी जो पत्ती खाद होती है, 80% इस पर आपका कोकोपीट है और 20% पत्तों वाली खाद है, और कुछ फंगीसाइड भी है जिससे पत्ती में जो फंगस का जो अटैक होता है इसके लिए इसमें मैंने फंगीसाइड का मिक्सअप तैयार किया है, क्योंकि कटिंग इससे जल्दी ख़राब नहीं होगी और इस पर कटिंग जल्दी सर्वाइव कर जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस तरह से हमको बहुत इजीली तो ग्रो है ये, इस पर बिल्कुल इस तरह से आपको गाड़ देनी है, 2 से 3 इंच इस स्टैम्प को आपको गाड़ देनी है और हल्का हल्का पुश कर देनी है, इस तरह से बिल्कुल एयर पॉकेट जो है इसे निकल जाए। इस तरह से हम लगा सकते हैं और बहुत इजीली तरीके से ये ग्रो हो जाता है फ्रेंड्स। सबसे इजीली तरीका इसकी, इस प्लांट्स की यही जो खासियत है, इस तरह से बिल्कुल आपको एयर पॉकेट निकाल लेनी है। इस तरह से फ्रेंड्स बिल्कुल आपको 2 से 3 इंच मिट्टी में गाड़ देनी है, धसा देनी है, इस तरह से आपको हल्की हल्की पोस कर देनी है जिससे एयर पॉकेट निकल जाएगी। अब चलिए इस पर पानी का सावर कर लेते हैं हम इस तरह से। तो पानी का सावर हम इस तरह से कर लेंगे, पानी हम एक प्लेट के माध्यम से देंगे, नीचे जो ड्रेनेज का जो होल होती है, जो डिस्पोजल गिलास के जो नीचे होल होती है उसके थ्रू पानी डालेंगे, तो हम इसकी पानी जो है धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर लेगी। दैट सेट्स फ्रॉम फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये पूरी फाइनली हो चुका है। ये आपको रिजल्ट अगर आपको देखनी है तो इसके लिए मैं अपडेट वीडियो आपके सामने फिर से बना दूंगा, आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो प्रोसेस था सारा प्रोसेस मैं आपके सामने शेयर कर दिया हूँ, आप इस प्रोसेस को यूज करके अपने जेड प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स ध्यान रखनी है कि इस प्लांट्स को ज़्यादा पानी का ऑफर ना करें। इस प्लांट्स को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं है, पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। तो मित्रों आप देख सकते हैं कि पानी मेरे मिट्टी में आप देखते हैं कितनी सख्त हो गई, कितनी सख्त हो गई। तो आप इसे पानी का ज़्यादा आप सावर ना करें। आप देख सकते हैं कि मेरे मिट्टी की सरफेस एरिया कितनी सूख चुकी है। आप पानी का ऑफर तभी करें जब मिट्टी का जो सरफेस एरिया होती है जो कुछ सेंटीमीटर सूख जाए, तब इसे आप पानी डालें। दिन में आप 2 से 3 दिन के अंतराल में इसे पानी डाल सकते हैं, क्योंकि आप जिस माहौल पर रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, उसके इन्वायरमेंट है, उसके इन्वायरमेंट के अनुसार आपकी जो टेम्परेचर है उसके अनुसार आप इसका पानी आप डाल सकते हैं। हो सकता है आपके इलाके में ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी तो मिट्टी बहुत जल्दी सख्त हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। तो आपको पानी भी इसे मेंटेन रखना है, पानी भी आपको समय समय पे देते रहना, क्योंकि पानी इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और समय से आपको पानी देने के लिए बहुत एक ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप पानी नहीं देंगे तो इसके जो लीव्स है, जो पत्ती है, ये लटकने लगेंगे और जो इसकी शेप है ख़राब हो जाएगी, इसकी जो ब्यूटी है ख़राब हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा पानी और कम पानी भी आप इसे ना डालें, क्योंकि इसे समय से पानी का मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हो तो इसकी जो रूट है धीरे धीरे गल जाएगी, और रूट गलेगी तो ये प्लांट्स अपने पत्तों को गिरा देगी, क्योंकि पानी जब इस पर ज़्यादा पड़ने लगता है समय से तो इसकी रूट गलने लगती है और ये अपने लीव्स को जो है धीरे धीरे सारा गिरा देगी और सिर्फ स्टैम्प बच जाएगा और धीरे धीरे आपका प्लांट्स सूखने लगेगा और हो सकता है तो मर भी सकता है। तो प्लांट्स को आप पानी, आप इसको मेन है कि आप इसे पानी का देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। जब ज़्यादा पानी आप डालोगे तो इसके पत्ते धीरे धीरे येलो हो जाएगी और पत्ता आपका गिरना शुरू हो जाएगा, और गिरते गिरते पूरे प्लांट्स की पत्ती जो है आपका सब सारा गिर जाएगा और रह जाएगा स्टैम्प, और धीरे धीरे इसका प्लांट्स मर सकता है। तो फ्रेंड्स इसे बहुत ज़रूरी है कि आप इसे पानी का जो बैलेंस है, बिल्कुल आप इसका पानी का बैलेंस इसको बना के रखेंगे तो ये पौधा आपके घर में बहुत अच्छे से सर्वाइव भी करेंगे और ब्यूटी भी देंगे और आपकी घर की जो सुख शांति है, आप जान रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार ये प्लांट्स बहुत अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स आप तो चलिए इस प्लांट्स को आप समय समय से लगाएं और अपने घर में अपने आसान तरीक़ों से इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि इस प्लांट्स के सारी जानकारियां आपको मिल गई होगी, आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई सवाल है मन में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसे रिप्लाई दे दूँगा, समय निकाल के आपसे रिप्लाई दिया करूँगा। तो फ्रेंड इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें और मित्रों हो सके मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर ले। तो फ्रेंड्स आप इस कटिंग को ऐसी एरिया पे शिफ्ट करेंगे, ऐसी जगह पे प्लेस करेंगे जहाँ सूर्य की जो ब्राइटनेस के लाइट होती है उस जगह पे ब्राइटनेस, जो सूर्य की ब्राइटनेस होती है वो उस पर मिलनी चाहिए। ये नहीं कि सूरज की डायरेक्ट धूप, दिन भर का धूप, अगर आपका इसका सुबह का धूप 1 से 2 घंटा भी अगर मिल पाए तो कटिंग को कोई नुकसान नहीं होगी, बहुत जल्दी सर्वाइव कर जाएगा। तो फ्रेंड्स इसे आप शेड एरिया में प्लेस कर दें, ये बिल्कुल 10 से 15 दिन में इसका रूट सर्वाइव कर जाएगा और आप किसी भी गमले में से आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर किसी वीडियो पे नए टॉपिक पे बात करेंगे। तो बाय बाय, सी यू और टेक केयर।